मोदी आज फिर असम दौरे पर पहुंचे। धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज समेत कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। तीन और इंजीनियरिंग कॉलेज का दिया भरोसा। पीएम मोदी ने कहा मूलभूत सुविधाएं मिलने पर हर किसी का बढ़ता है विश्वास, इससे आगे बढ़ता है देश। राज्य में नई शिक्षा नीति पर दिया जोर। पीएम मोदी ने कहा 2014 से पहले देश के आधे घरों में एलपीजी सिलेंडर नहीं थे। असम में ये अनुपात और भी कम था, लेकिन हमने उज्ज्वला योजना से 100% एलपीजी कनेक्शन दिलाया। पीएम मोदी ने कहा आजादी के बाद पूर्वोत्तर के ज्यादा गांवों में नहीं थी बिजली, लेकिन अब वो जगमग कर रहे हैं। बोले नीति सही हो तो नियति बदल जाती है। पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। पीएम मोदी ने बोगई गांव में बड़े टर्मिनल और लॉजिस्टिक पार्क का काम शुरू होने का भी दिया हवाला। कहा और मजबूत करें डबल इंजन सरकार। कोलकाता मेट्रो के एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब दक्षिणेश्वर तक जाएगी मेट्रो। एक महीने में पीएम का तीसरा पश्चिम बंगाल दौरा। पीएम मोदी ने बंगाल दौरे पर जाने से पहले किया ट्वीट। कहा यह प्रोजेक्ट खास, मां काली के मंदिर तक मेट्रो से जाना होगा आसान। दिल्ली के डनलप फैक्ट्री ग्राउंड पर होगी पीएम की रैली। दो दिन बाद इसी जगह के करीब ममता की रैली। रक्षा मंत्रालय के समारोह में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का दिया संदेश। कहा आज शाम से आसमान में उड़ान भर रहा तेजस। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार गिरी। स्पीकर ने कहा नारायण सामी सरकार के पास बहुमत नहीं। विधानसभा से राज्यपाल आवास पहुंचे नारायण सामी, सौंप दिया इस्तीफा। कांग्रेस और डीएमके के एक एक विधायक के इस्तीफे के बाद सत्ताधारी कांग्रेस पर गहराया था संकट। विधानसभा में नहीं साबित कर सके बहुमत। केरल के दौरे पर हैं राहुल गांधी। वायनाड में विद्या वाहिनी बस का वितरण। राहुल गांधी ने कहा कमजोर तबके को मजबूत बनाना है कांग्रेस का मकसद। कोरोना काल में मनरेगा ने देश के गरीबों को बचाया। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा बैनर्जी ने सीबीआई को लिखा खत। कोयला तस्करी केस में सीबीआई टीम को पूछताछ के लिए कल बुलाया घर। रुजिरा ने खत में लिखा कल 11 से 3 बजे के बीच सीबीआई टीम किसी भी वक्त घर आकर कर सकती है पूछताछ। सीबीआई की टीम ने कल घर जाकर दिया था नोटिस। रुजिरा की बहन मेनका गंभीर को भी थमाया गया समन। सीबीआई की टीम पहुंचेगी घर। सीबीआई सांसद अर्जुन सिंह ने रुजिरा के भारतीय नागरिकता को दी चुनौती। अभिषेक बैनर्जी का रुजिरा के पास 35 साल से थाई पासपोर्ट होने वाला बयान पोस्ट किया। फ्रॉम द लास्ट 34 ईयर्स शी इज होल्डिंग थाई पासपोर्ट। फ्रॉम द लास्ट 34 ईयर्स शी इज होल्डिंग थाई पासपोर्ट। बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद भी आज पेश कर रहे हैं बिहार का बजट, कोरोना काल का पहला बजट। पटना में ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव। तेल की महंगाई पर जताया विरोध। मध्यप्रदेश विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं गिरीश गौतम। एक दिन पहले ही भरा था नामांकन। तेल की महंगाई पर भोपाल में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। विरोध में साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा। अमेठी में बनेगा स्मृति ईरानी का आशियाना, आज जमीन की रजिस्ट्री। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। सराम में महंगे पेट्रोल डीजल का विरोध। आरजेडी की युवा इकाई के कार्यकर्ता सड़क पर। औरंगाबाद में आरजेडी कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस महंगा किए जाने का विरोध। बिहार के महाराजगंज में 60% कम हो गई है पेट्रोल की बिक्री। नेपाल से हो रही तस्करी। जमशेदपुर में गुरुद्वारा के पास लगा पेट्रोल मेला। ऑल इंडिया सिख फेडरेशन का आयोजन। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर मुंबई में पोस्टर वार। मुंबई में शिवसेना की यूथ विंग ने पोस्टर लगाकर पूछा क्या यही है अच्छे दिन। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का किसानों ने किया विरोध। लोगों ने की नारेबाजी।
अब चौधरियों से मिलने गए थे संजीव बालियान, विरोध की वजह से लौट गया काफिला। 28 फरवरी को किसान पंचायत में शामिल होंगे केजरीवाल, मेरठ में होगी पंचायत। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने की चौपाल, कानून वापसी तक आंदोलन जारी रखने का दावा। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर पुल के नीचे मिला विस्फोटक, सुरक्षा बल ने धमाका का डिफ्यूज किया। श्रीनगर रेलवे स्टेशन के पास मिला था आईडी, 11 महीने बाद इस रूट पर शुरू होने वाली ट्रेन सेवा, बनिहाल बारामूला सेक्शन पर चलेगी ट्रेन। श्रीनगर में पूरे इलाके की घेराबंदी, सुरक्षा बलों की टीम तलाशी में जुटी। कुछ देर के लिए पुल पर दोनों तरफ से रोका गया ट्रैफिक, एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम। इसी पर भारत और चीन विवाद के बीच एक नया वीडियो आया सामने, गलवान में चीन की साजिश का पर्दाफाश, जून 2020 में हुई थी हिंसक झड़प। क्रिकेट केस में जांच पड़ताल जारी, आज निकिता जैकब से सवाल। साइबर सेल के दफ्तर पहुंची निकिता जैकब, शांतनु भी साइबर सेल में मौजूद। निशा रवि की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, 3 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म। निशा रवि को पुलिस हिरासत में लेने के अर्जी, निकिता और शांतनु के साथ आमने सामने बैठाकर सवाल। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की उच्च स्तरीय बैठक, चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को वैध रूप में स्थापित करने के लिए प्रस्ताव। चमोली ऋषिगंगा तपोवन घाटी में फिर जारी हुआ अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है बारिश। ऋषिगंगा नदी में 24 और 25 फरवरी को उठ सकती है 4 मीटर ऊंची लहरें, एनडीआरएफ और एनटीपीसी सतर्क। तपोवन में राहत बचाव का काम जारी, 171 मीटर तक पहुंची टीम। हादसे में 3 श्रमिकों के शव, झारखंड के लिए रवाना, लोहरदगा के 6 मजदूरों का 15 दिन बाद भी अता पता नहीं। कटिहार में ऑटो और ट्रक में भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौत, शादी समारोह से लौटते समय हादसा। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़े, कई बंदिशें लगाई गई। अमरावती और अचलपुर में लगा 7 दिन का लॉकडाउन, कुछ और शहरों में लगी बंदिशें। माला कोला बुल्ढाना वाशी में भी 1 मार्च तक कुछ प्रतिबंध, शादी में 25 लोग ही जा पाएंगे। नासिक और पुणे में लगा रात का कर्फ्यू, पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। महाराष्ट्र में एक दिन में 6971 नए कोरोना केस, 40 लोगों की मौत। सीएम उद्धव ठाकरे की चेतावनी, लोग लापरवाह रहे तो फिर लग सकता है लॉकडाउन। महाराष्ट्र के एक और मंत्री कोरोना की चपेट में, छगन भुजबल की रिपोर्ट पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर लापरवाही, नागपुर के बाजारों में दिखी भीड़। शिरडी में भी जुटे हजारों लोग, नहीं हो रहा गाइडलाइंस का पालन। एक मॉल में भी दिखी भीड़, मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 14,000 से ज्यादा मरीज, 24 घंटे में 83 लोगों की मौत। देश में 1.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, कुल मामले 1,10,00,000 से ज्यादा। मुंबई के चेंबूर में शादी समारोह की खबर, 300 से 400 लोग जमा, बीएमसी ने दर्ज किया केस। मुंबई के जुहू बीच पर मार्शल की तैनाती, मास्क नहीं पहनने पर सफाई करने की सजा। अमृतसर में एक घर में बदमाशों का हमला, सीसीटीवी से सुराग की तलाश। अमरोहा में गन्ने के खेत में हाथ पैर बंधे महिला मिली, पति और भांजा भी साथ, महिला ने लगाया गैंग रेप का आरोप। वर्षा में पैतृक संपत्ति के विवाद में भाई ने अपनी बहन और उनकी बेटियों पर किया हमला, घर से खींच कर किया बाहर। अपुर में घर में घुसकर एक लड़की पर तेजाब डालने वाले आरोपी को दबोचा, पुलिस पर फायर कर भाग रहा था आरोपी, अस्पताल में भर्ती पीड़िता की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, साथ ही हुआ फरार। कोयम्बटूर में जलकट्टू महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने बैल को काबू में करने के इस खेल का लिया लुत्फ।